मैं आपको एक पैंट की शर्ट कट करना बताऊंगी, जो थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन में होगा। ये चेक का कपड़ा है और सर्दी वाला है, विंटर का। अब इसके ऊपर मैं मेजरमेंट डालती हूँ। यहां से सामने से ये ओपन होगा तो 7.5 इंच तक लूंगी। इसकी कटिंग जरा गौर से देखें, क्योंकि कटिंग ही इसकी डिफरेंट है। यहां से 1 इंच तक इसको यहां से मैं राउंड करूंगी, क्योंकि शोल्डर भी 7.5 इंच है। जस्ट यहां से 8.5 इंच लूंगी और 1 इंच मार्जिन। यहां से इसकी लंबाई में लूंगी 15 इंच। यहां से 15 इंच लूंगी। सिलाई में जाने के बाद ये 14 इंच रह जाएगा। यहां से मैं 8 इंच लूंगी। ये व्यूअर्स, इसके साथ ये फ्रंट के पहले पार्ट को मैं कट करूंगी, और इसी में बटन पट्टी का कपड़ा मैंने लिया है 2 इंच का। इसके बैक का पहले मैं तीरा निकालूंगी 4.5 इंच का तक। यहां से हल्का डाउन करेंगे, क्योंकि फ्रंट इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटा होगा, और बैक थोड़ा सा बड़ा होगा। पहले मैंने बैक की ही कटिंग की है, बाद में फ्रंट की डीपनेस की कटिंग करूंगी। रिवर्स 1 इंच बीच में मैंने एक्स्ट्रा लिया, फ्रंट पार्ट इससे छोटा होगा, 15 लिया है, और इसको मैं 16 इंच लूंगी। यहाँ पे 1 इंच इससे बढ़कर लूंगी, और इससे थोड़ा सा ज्यादा लूंगी कि इसके बैक में चुनटे आएंगी। पहले ये मैं तीरा इसका लेती हूँ। ये तीरे का कपड़ा मैंने पहले अलहदा कर लिया है। रिवर्स डबल में लिया, इसका शोल्डर का है। अब इसका मैं बैक का पार्ट लूंगी, पर उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा लूंगी, जो मिडल में इसकी थोड़ी सी मुझे चुनट देनी होगी। ये व्यूअर्स, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चुनट के लिए कपड़ा लूंगी 3.5 इंच। इसमें सिलाई का भी लेंगे तो 15.5 इंच आ रहा है। यहां से इस कपड़े में थोड़े से मिडल पॉइंट में इसके बैक में थोड़ी सी ऊपर जो तीरा कटेगा उसमें चुनट आएंगी, और यहां से अब इसके आर्म्स की कटिंग करेंगे। यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। साढ़े आठ यहां से 8 व्यूअर्स, अब बैक के पार्ट की मैं कटिंग करती हूँ।
अभी व्यूअर्स ये इसकी फ्रंट पार्ट है, ये इसका बैक और तीरा हो गया। और अभी व्यूअर्स इसकी लेंथ लेनी है हम लोगों ने, फुल लेंथ इसकी। यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देते हैं, कपड़ा सेट करने के बाद दिखाती हूँ। व्यूअर ऊपर की बॉडी जो थी 15 इंच थी, और यहाँ से हम लेंगे 26 इंचेस। 26 इंचेस में यहाँ पे साइड पे हम इसमें राउंड करके पॉकेट लगाएंगे। साइड में ओपन साइड है तो ये फ्रंट पे लेकर आएंगे, 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे बटन पट्टी के लिए। इसी में इसी को अंदर मैं फोल्ड करूंगी, और साइड में जो वेस्ट लाइन से 13 या 14 जितनी भी उसकी ऊपर की बॉडी है उसके साथ में यहाँ साइड में फ्रंट में पॉकेट है। तो इसके पहला मैं एक पार्ट कट करके फिर इसका जो साइड से राउंड करूंगी वो दिखाऊंगी। इतना सा व्यूअर, एक पार्ट और अलग कर लेती हूँ, कपड़े को सेट करने के बाद दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये दोनों पार्ट मैंने कट करके सेट कर लिए हैं। एक 2 इंच का बड़ा हुआ कपड़ा है और एक साइड में इसमें हल्के हल्के इसके पार्ट में चुनट्स आएंगी, और साइड में उसके साइड वाले इस वाले साइड में ना इसके पॉकेट का मैं निशान लगाऊंगी वापस से। और यहाँ से मैं 3 इंच पर इसको राउंड करूंगी, यहाँ से कॉर्नर से, जैसे शर्ट की कटिंग होती है इसकी गुलाई जो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यहाँ से इस तरह से होगी। ये चौक के निशान में वाजिया कर देती हूँ। ये भी सब निशान वाजिया हो रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये भी बस इस तरह से इसके फ्रंट साइड में, ये भी बस यहां से पॉकेट के निशान लगाऊंगी। ये यहां से 4 इंच है, यहां से 5 इंच है, ये तब अभी फिलहाल मैंने निशान लगा दिए। ये बिजली ना होने की वजह से व्यूअर्स मैंने कपड़ा नहीं इस्त्री किया हुआ। इसको प्रेस करने के बाद इस पॉकेट की कटिंग करूंगी, इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और व्यूअर्स सिंपल कफ की वीडियो पिछली वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, इसमें कॉलर जो होगा जेंट्स कॉलर की तरह ही होगा लगेगा। और व्यूअर्स इसके दरमियान में जहाँ पे चुनट डलेंगी वहां पे 5 इंच की एक पट्टी होगी जिसका रुख इस तरह करके लगेगी। तो उसके लिए मैं कपड़ा निकाल लेती हूँ। ये व्यूअर्स 5 इंचेस पे मैं लूंगी, इसको डबल काट कर इसकर मैं बताती हूँ कि कैसे लगाने, इसी तरह समझा दूंगी फिर स्टिचिंग में मैं इसका दिखाऊंगी आपको। स्टिचिंग के दौरान मेन पार्ट बताऊंगी इसके। और इसके भी कफ जो हैं वो सिंपल हैं, 2 इंच के कफ फ्रंट में इसके अटैच होंगे। स्लीव की लेंथ 21 है। ये व्यूअर्स इस तरह से इसकी ये पट्टी को इस तरह मैं ज्वाइंट करूंगी, पूरा रख कर आपको दिखा देती हूँ। ये व्यूअर्स इसमें इस तरह चुनट आएंगी हल्की हल्की सी, वेस्ट के बराबर करेंगे इसको। ये इसका बैक पार्ट है, इस तरह से रख कर इसके एक पार्ट को मैं रख कर दिखाती हूँ, जो हाफ फ्रंट का ही है। एक रख के दिखाती हूँ इस तरह से, ये फ्रंट में आएगा यहाँ पे इस तरह से चुनट होंगी। और व्यूअर्स ये वाली जो पट्टी है इसकी ये इस तरह से आएगी, इस तरह अटैच करूंगी इसके दरमियान में, फिर इसको इस तरह सिलाई करके इस तरह नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ये इस तरह से आएगी इसके ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसकी स्टिचिंग जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।